फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि रॉकी भाई के फिल्म KGF के चैप्टर 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 25 डेज हो गए हैं। और भाई, इस फिल्म ने इन 25 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जो कारनामा किया है ना, उसकी चर्चा सदियों तक की जाएगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। यानी कि इस फिल्म से जो उम्मीदें बॉक्स ऑफिस को थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खड़ी उतरी है। यानी कि भैया, ये फिल्म अपने चौथे वीक में इन कर चुकी है और भाई, चौथे वीक में इन करने के बावजूद भी ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। यानी कि भैया, इस फिल्म ने बेहतरीन कलेक्शन के माध्यम से अपना चौथा वीकेंड भी कंप्लीट कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। और भाई, इस फिल्म को चौथे वीकेंड में हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो कलेक्शन मिला है, वो आंकड़ा है 14 करोड़ 85 लाख रुपीज़ का। यानी कि 14 करोड़ 85 लाख रुपीज़ का बिजनेस इस फिल्म ने चौथे वीकेंड में किया है हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म को चौथे वीकेंड में, चौथे फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था हिंदी लैंग्वेज में, वो आंकड़ा था 3 करोड़ 85 लाख रुपीज़ का। उसके बाद इस फिल्म को चौथे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 4 करोड़ 75 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद भैया, चौथे संडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला, यानी कि भैया 25वें दिन, वो आंकड़ा था 6 करोड़ 25 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया, इस बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में 25 दिनों में जो अब तक कलेक्शन कर लिया है, वो आंकड़ा है 412 करोड़ 80 लाख रुपीस का। यानी कि भाई, इस कलेक्शन को देखने के बाद तो हम यही बात कहना चाहेंगे बॉलीवुड के उन मेकर से जो कि भैया इन दिनों साउथ वर्सेस हिंदी का खेला खेल रहे हैं भैया ऑडियंस के साथ में। वो ये सवाल पूछ रहे हैं ना भैया ऑडियंस से कि भैया, हमसे का भूल हुई कि जो ये सजा हमको मिली। यानी कि भैया, हमारी फिल्मों को अब बॉक्स ऑफिस पर आप प्यार नहीं देते हो और पैन इंडिया मूवीज़ को, जो कि डब होकर हम आप लोगों के सामने आ रही है, उसको अपना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। तो भैया, उसका जवाब क्या है भैया? बेहतरीन क्रिएशन, बेहतरीन स्टोरी लाइन, बेहतरीन मेकिंग, ये चीज़ आप लोग भूल चुके हो मेरे बॉस। यानी कि भैया, बॉलीवुड के मेकर से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो गुण हासिल किया था सदियों तक मेहनत करने के बाद भैया फिल्म लाइन में, उस गुण को आप लोग भूल गए स्टारडम के नीचे। आप उससे थोड़ा ऊपर उठिए, आप लोग भी ऐसी फिल्में बना सकते हैं। आपको प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अच्छे क्रिएशन के माध्यम से एक बार फिर से सिनेमाघर में आएँ। आपको भी KGF के चैप्टर 2 की तरह, RRR की तरह, पुष्पा की तरह, बाहुबली की तरह दर्शक प्यार देंगे। आप मेरी बात पर यकीन करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में चाहिएगा। तो भाई, न्यूज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अंत में मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि इस वक्त मैं बिहार आया हूँ। ये मेरे गांव का मकान है, आप मेरे गांव के मकान को देख सकते हो, काफ़ी पुराना मकान है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ मैं बिहार से कुछ अलग हटकर करने की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ठहरा हूँ और जिसके कारण से कई सारे अपडेट मैं आप लोगों के सामने नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ मुझे लेट से मिल रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर नेट जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से कई सारी खबरें मैं आप लोगों तक बहुत ही देरी से पहुंचा पा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत जल्दी ही ये सारे प्रॉब्लम मैं सुलझा दूंगा जब मेरा यहां पर प्रॉपर ऑफिस बन जाएगा। यही जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला था हूं कि बिहार में मैं एक नया ऑफिस खोलने वाला हूँ और यहाँ से मैं अपनी डायरेक्शन वाली जो खुजली है वो मिटाना चाहता हूँ। यानी भैया, बॉलीवुड में मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अपनी बिहार कि जो इंडस्ट्री है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, मैं उसमें कुछ अलग करने की प्लानिंग कर रहा हूं। और अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो मैं शायद यहां कुछ कर दिखाऊं, जिसके बाद आप ये कहोगे और आप लोग मुझसे ये सवाल करते हो ना कि आप खुद ही क्यों नहीं अपनी फिल्म बना लेते हो। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास रहा, तो वो काम भी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से करूँगा और भोजपुरी में कुछ नया करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है
वो दिन ब दिन क्या हो रही है ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।